बिल्कुल ब्लू वाटर यार, मतलब अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल यार। His baby and she's mommy. दोस्तों वेलकम टू घूमते रहो, और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम लोग उस ड्रीम प्लेस पे आ गए हैं जो हर एक एडवेंचर सीकर का ड्रीम प्लेस होता है। ये है पैंगोंग सो, पैंगोंग लेक, जिसका जिक्र हमने आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी थ्री इडियट में देखा था। वही लेक है ये, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पे है लेक, और 150 किलोमीटर लंबी लेक है। लेक यहाँ से शुरू होती है, चाइना तक जाती है। बहुत खूबसूरत है, हर एक एडवेंचर सीकर, हर इंडियन की ड्रीम बुक में लेक ज़रूर होती है। तो आज हम इस लेक को एक्सप्लोर करेंगे, इसके आसपास के स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे, और आपको अपने साथ साथ घुमाएंगे, और आपको बताएंगे कि एक अच्छी आइटनरी कैसे प्लान की जाए अगर हमें पैंगोंग सो घूमना है। तो चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम चल रहे हैं पैंगोंग सो को थोड़ा पास से एक्सप्लोर करने। आगे आगे प्रशांत चल रहे हैं और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और आपको लेके चलते हैं। यहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग है, सो आप लोगों को ध्यान देना होगा, उस हिसाब से गियर्स वगैरह अपने बाइकिंग के लेके आना, एंड वाटरप्रूफ कपड़े और बाइक के कुछ ज़रूरी पार्ट्स वगैरह, पंचर वगैरह या फिर हवा भरने की मशीन अगर ला सकते हैं तो बिल्कुल ले आइए, क्योंकि यहाँ पे आसपास मैकेनिक नहीं है इतने ज़्यादा, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाकी हम पास आ गए, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल लेक है। ये देखो आप, जैसी मूवी में देखी थी एकदम वैसी है। उधर दूर बोट चल रही है आर्मी की। लगभग 150 किलोमीटर लंबी ये लेक है, लेकिन इसमें बोटिंग अलाउड नहीं है, शायद आर्मी कर सकती है बिकॉज़ वो पेट्रोलिंग वगैरह करती है। पास में चाइना बॉर्डर है, और चाइना के साथ आपको पता है डिस्प्यूट चलते रहते हैं। लेकिन आप देखें तो नज़ारे ना हमारे ना तुम्हारे, ये हैं कुदरत के नज़ारे। कहाँ चलें, बाइक ले जा सकते हैं नीचे? हाँ जी श्योर, क्योंकि यहाँ पे कई बार, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोग बाइक लेके गए हैं और उनके लिए मना किया गया है। बहुत खूबसूरत है भाई, मैं लाइफ में पहली बार आया, बहुत खूबसूरत है। हर एक एडवेंचर सीकर को यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। ये लुकुंग विलेज है जहाँ पे कैंपिंग होती है, पास में ही होता है। आई वुड एडवाइस कि यहीं पे आप लोग लेना, क्या बोलते हैं, अपना रूम वगैरह, क्योंकि यहाँ से सामने लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है भाई, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है किसी और प्लैनेट में आ गए हैं, लाइक मार्स या फिर किसी मून लैंड पे, अलग ही सीन है। और ये पास में बहुत सारी स्कूटर्स बनाई गई हैं, जो आमिर खान स्कूटर पे बैठता है, वैसे लोगों ने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो बहुत हर जगह वो स्कूटर्स लग दिए कैफ़े ऑनर्स वगैरह ने, ताकि लोग आएँ और फ़ोटो खिंचवाएँ और थोड़ा बहुत खाएँ पिएँ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ये देखिए स्कूटर से, स्कूटर से लाइन से, ये स्पॉट है आमिर खान वाला। दोस्तों ये है वो फेमस स्पॉट आमिर खान का, ऑल इज वेल जो गाना शूट हुआ था उसमें जो बैठते हैं, ये ही स्पॉट है आमिर खान का, लोग फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। चलिए पास से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, आप जब भी आना पैंगोंग इस पॉइंट पे ज़रूर आना, फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराना, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ में
अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। फोटो खिंचवाने के 40-50 रुपये चार्ज है, बट ये वही ऐतिहासिक फेमस जगह है जहाँ पे आमिर खान की मूवी 3 Idiots की शूटिंग हुई थी। ऑल इज वेल, लास्ट मूवी लास्ट सीन जो शूट हुआ था यहीं पर हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बाय बाय करते हैं 3 Idiots को और चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने। हाँ हमें रोड पे जाना है उस पर। अगर ये कार आई है तो दैट मीन्स ये कार कहीं ना कहीं से होके आई होगी ना, कार तो आ नहीं सकती ऐसे। ठीक है चलो, जो रास्ता जानते हो उसी पे चलो भाई, और किसी पे मत चलो, जो जानते हो उसी पे चलो। यहाँ थोड़ा रास्तों का कंफ्यूजन हो जाता है ना पहाड़ों पे, तो आप जिस रास्ते को जानते हो उसी पे जाएं। नए रास्ते को एक्सप्लोर तब करें जब कोई लोकल गाइड हो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम जाते हैं और रास्ता होता नहीं है आगे, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है और रिस्क भी होता है, तो हमें सेफ्टी को कंसर्न में लेके चलना। अगेन फिर कहता हूँ सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, तो ज़्यादा एडवेंचर भी नहीं करना है, बैलेंस में करना है सेफ्टी के साथ। ये देखो नज़ारे भाई, ये देखो वाह, माउंटेन्स कितने अलग अलग कलर के हैं, धूप पड़ रही है तो कलर भी चेंज हो रही हैं। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, वो देखो उसके उस तरफ भी कुछ होटल्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरा नहीं देख पा रहा होगा पर मेरी आँखें देख पा रही हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बोलने को, बस तारीफ ही कर सकता हूँ। अच्छा इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा है एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पावर बैंक लेके चलना है, बिकॉज थोड़ा बहुत लाइट का इशू हो जाता है थोड़ा रिमोट एरिया में आते ही, तो आपका पावर बैंक रहेगा, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। पोस्टपेड कनेक्शन चलते हैं थ्रू आउट द लद्दाख, प्रीपेड नहीं चलते, तो मेक श्योर कि आप पोस्टपेड लेके आओ, अदरवाइज आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। एक मेडिकल किट अपने साथ रखो, एक ऑक्सीजन का छोटा सा सिलेंडर 650-600 रुपये का आ जाता है वो अपने साथ रखो। कई जगह पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है ताकि आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ऑक्सीजन रहे। ये जो आप हट्स देख रहे हो पूरा लुकुंग विलेज है, बहुत अच्छा स्पॉट है रुकने के लिए, तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ स्पॉट को, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बगल में ही पैंगोंग सो है, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल वॉक पे ही, और बिल्कुल पहले ही आ जाता है जहाँ से पैंगोंग सो शुरू होती है, तो आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आगे मन विलेज भी है और भी बहुत सारे विलेजेस हैं, तो ये पहला विलेज आपके लिए ईजी होगा, एक्सेस ईजी है यहाँ की, और यहाँ पर नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, 5G मिल जाता है एयरटेल का। आह हाँ हाँ, क्या खूबसूरत है यार, सही बात है यार, भगवान ने जब इस धरती को बनाया होगा तो भारत को ना बहुत समय लेके बनाया है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। लगभग 160 किलोमीटर की ये झील है पैंगोंग सो, सो का मतलब झील होता है, पैंगोंग झील, पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो, और ला का मतलब पास, बारा ला चा, या फिर जैसे कैसे खारदुंगला, खारदुंग पास, खारदुंगला, ला इस पास। और ये देखो बिल्कुल ब्लू वाटर, बिल्कुल ब्लू वाटर यार, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल यार, बयान नहीं कर सकता यार मैं खूबसूरती, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ आई थिंक वो कैमरा आपको दिखा नहीं पाएगा। चलते हैं यार आगे। ये रोड थोड़ी सी रिस्की भी है, तो आप लोग जब भी आओ थोड़ा सा स्लो चलना है यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे स्लाइड है पूरी जो पानी में जाती है। अच्छा स्पॉट है, रुक जाते हैं। दोस्तों एक और स्पॉट है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, ओशन ब्लू वाटर, और ये प्लेन्स हैं। ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा स्पॉट है, ऑफ रोडिंग मैंने कभी ज़्यादा कुछ की नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत है यार, वो दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ब्लू वाटर, ब्लू वाटर, कितनी ह्यूज लेक है, अमेजिंग। लोग यहाँ पे रुके फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, मैं भी रुक गया कि मैं कुछ अच्छे शॉट्स बना लूँ। बाइक यहाँ पे लगा दी, और ये शॉट्स अमेजिंग यार,
वर्थ वर्थ है यहाँ पे आना। रास्ते पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है, दैट्स मींस यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड ही दिया है। निकलते यहाँ से भाई, ये वाटर क्रॉसिंग है। प्रशांत क्या तो रिस्की है यार, चले तुम इधर आ जाओ ठीक है। ये जय माता दी, भीग गए भीग गए भाई। लो आपने भी देख लिया, हो गई ऑफ रोडिंग। सही बताऊं तो मेरी थोड़ी सी फट गई थी हालांकि ये सेफ था क्योंकि उस साइड गड्ढा वड्ढा नहीं था, खाई बिल्कुल नहीं थी, प्लेन था, मतलब पानी तेजी से आ रहा था, गिर रहा था, प्लेन पे ही जा रहा था तो गड्ढा नहीं था, लेकिन मेरी थोड़ी फट इसलिए गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई रिवर क्रॉसिंग करी हैवी। और कुछ दिन पहले मैंने इसी रिवर क्रॉसिंग का एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का निकल रहा था, वो स्लिप करके आया था, मतलब कुछ हुआ नहीं था, वो स्लिप करके गिर गया था। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ, आप लोग भी लेके चलो। वाह ये भी कोई एक विलेज है, यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह हैं। ओए वाह सामने प्यारी सी पैंगोंग लेक, वाह घूमते रहो। ये देखो करीब से देखो पैंगोंग सो को, ये भी थोड़ा सा हैवी ही है, कोई नहीं निकाल लेंगे अपन। या निकाल ली, मतलब ये पहाड़ जो है ना ये इतने ज़्यादा प्लेन्स हैं, टफ मुझे रिस्की नहीं लग रहे बिकॉज कई जगह भी यहाँ तो पत्थर पड़े हुए हैं, कई जगह पत्थर नहीं रेत है, तो लोग लोगों ने कार तक चढ़ाई हुई है ऊपर, निशान दिख रहे हैं कार के कि वो ऊपर तक ले जा चुके हैं। इसीलिए लद्दाख को ऑफ रोडिंग के लिए इतना ज़्यादा मतलब माना जाता है कि ऑफ रोडिंग की प्लेस है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ बड़े ऑफ रोडिंग के हिसाब से कंपैटिबल हैं। अब देखो मतलब गोल गोल से पहाड़ हैं, गाड़ियाँ चाहो तो ऊपर तक ले जा सकते हो, टफ नहीं है इतने माउंटेंस यहाँ के, और प्लेन्स बहुत है। देखो वहाँ से प्लेन शुरू हो रही ज़मीन, यहाँ पे जनरली आप हिमाचल या उत्तराखंड में जाओगे गड्ढे होते हैं, रोड के साइड में गड्ढे दिखेंगे आपको, खाइयाँ दिखेंगी, यहाँ पे खाइयाँ नहीं है, देखो प्लेन्स हैं, तो सेफ्टी बहुत अच्छी है। देखो अब जो सामने वो गोल गोल से पहाड़ दिख रहे हैं, तो चाहूँ तो बाइक ले जा सकता हूँ, मुझे सेफ लग रहे हैं, कैंप कर सकता हूँ, कार भी ले जा सकता हूँ। बट अगर यूं में हिमाचल में होता है या फिर उत्तराखंड में होता तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि पहाड़ यूं खड़े होते स्ट्रेट, यहाँ पे आराम से यूं जा सकते हो आप। अभी भी देखो हम जा रहे इतनी हाइट पे, हम लगभग 4,500-5,000 की हाइट पे, पता नहीं चल रहा कुछ, यूँ नहीं है, बस सीधे रोड जा रही है, सीधे रोड जा रही है। तभी तो लद्दाख को बोलते हैं द लैंड ऑफ हाई पासेस। ये लो एक और वाटर क्रॉसिंग, लेट्स गो। पैंट गीली हो गई यार पूरी। तो यहाँ आज हम लोगों ने इस हट में चेक इन किया है, कल रात वाला हट छोड़ दिया है बिकॉज़ हमारी जो एक्चुअल बुकिंग थी वो मन विलेज की थी और हम लुकुंग में रुक गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वो स्पॉट्स कवर करने जो लास्ट वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, दुर्बोक के बाद का स्पॉट जो है टांग से दुर्बोक, और वो जो जगह बोलते हैं जहाँ पर वो मैरमट होता है ना जो जानवर होता है, और उसके अलावा
शाहरुख खान की जब तक है जान मूवी जहाँ पे शूट हुई थी, हम वहाँ जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि उजाले में कर लें, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पे हवाएं तेज़ चलने लगती हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं मन विलेज से, और अब जाएंगे लुकुंग जाएंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद या तो उसके आगे रुकेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे। कैमरा मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर में, रास्ते के नज़ारे मैं आपको लुकुंग के बाद से दिखाऊंगा, क्योंकि लुकुंग से यहाँ तक के नज़ारे मन विलेज तक के तो मैंने दिखा दिए आपको। हाँ, मॉनेस्ट्रीज हर जगह हैं, हर जगह। चलो आप इसे देख लो, अब मिलते हैं लुकुंग में। वेट वेट वेट, सो में 3 बजे के बाद ना मौसम ठंडा होने लगता है, 2-2.5 बजे के बाद ही, और सुबह 8 बजे से करारी धूप निकल आती है, तो ग्लव्स वगैरह पहन लेते। और ये माउंटेन्स देखो आप, तो दोस्तों आज प्रयास है, कोशिश है कि आपको वो स्पेसेस घुमाएंगे जो तो लास्ट वीडियो में हमने मिस कर दी थी आफ्टर दुर्बुक। और पैंगोंग सो से जो लास्ट पेट्रोल पंप है वो तांग से है, तो हमें पेट्रोल भी डलाना होगा ताकि हम कल की जो ट्रिप है उसके लिए हमारे पास इनफ फ्यूल हो। ये कल रात को नहीं था ना, ये देखो एक लेक और है इधर, भगवान जाने कौन सी लेक है, और ये लेक भी बड़ी खूबसूरत है। जो लोग आ रहे हो यहाँ भी चिल आउट कर सकते हैं, अगर कैंप वैम्प करना हो तो प्लेन लैंड से, पर हाँ पूरे इंतज़ाम और पूरी सेफ्टी के साथ आना होगा। और जितना हम पास पहुँचते जाएंगे ना इन रोड्स पे ना पूरी लाइट्स लगी है, तो कल रात को जब मैं आया था मैंने दिखाया भी था शायद वीडियो पे कि लाइट्स लगी थी, तो ऐसा मैंने इंडिया के हाईवे पे बहुत कम देखा है कि रात को लाइट लगी हो, जो कि लद्दाख में मुझे इस हाईवे पे देखने को मिला, वो एक एक्सीलेंट बात है। आगे मैं चल के दिखाऊंगा आपको जो लाइट्स लगी रोड पे, हालांकि दिन में नहीं चल रही होंगी पर सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं। ये देखो फुल सैंड है, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए, फुल सैंड। ये देखो ये है नज़ारे, क्या खूबसूरत है यार, दोनों तरफ मैदान और बीच में क्या हाईवे है। घास के मैदान है जहाँ पे लोग वायरल रील्स बनाते हैं, जो लोग चलते हैं और वो बीच बीच में बॉल से बनी रहती है ना मिट्टी के ऊपर घास की, वही बॉल्स है यहाँ पे। अभी हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा आगे जाना है, वापसी में ट्राई करेंगे रुकने के लिए। थोड़ा पानी होता है, थोड़ी बॉल्स बनी रहती है नेचुरल बॉल्स, घास के मैदान यही है। देखो आप सामने बीच वाले पहाड़ को देखो, कितना विशाल का है, कितना ह्यूज दिखता है, जैसे किंग बिल्कुल बीच में खड़ा है, बड़ा सा पहाड़। वहाँ अंग्रेज हैं ज़रूर, मेरे ख्याल से मैनमेट वगैरह होंगे। ओ मैनमेट मिल गया, मैनमेट मिल गया, चलते वहाँ से देख के आते हैं। ये देखो मोटे को, I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. ये देखो आप, the great Himalayan mammoths, all limited बचे हैं। ये देखो पास से एक ये भी है। हाँ मोटे
कितना क्यूट है। ओ क्यूटी, घास खा रहे, शीज मम्मी। अच्छा, हिज बेबी एंड शीज मम्मी। आई होप आपको मैरमेट अच्छे लगे होंगे। वैसे मेरे बहुत सारे स्पॉट्स थे, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि आपको मैरमेट भी दिखाऊं, क्योंकि रेयर स्पेसीज हैं, हायर हिमालयस पे ही मिलती हैं, खासकर भूटान, लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो बहुत ही रेयर साइट सीन है ये। ये जो मैं लेफ्ट में मैदान दिख रहा है, देखो कितना बड़ा ग्रीन ग्रास लैंड है, इसमें याक चल रही हैं, उसमें भी बहुत सारे मैरमेट होते हैं। बेसिकली मैरमेट हाई रेंजेस पे और जो ग्रीन लैंड्स होते हैं ना, उसमें रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, क्योंकि इनको पानी और घास खाते हैं। बिस्किट दोगे तो बिस्किट भी खा लेंगे। आजकल कहते हैं कि इनको बिस्किट ना दिया जाए, क्योंकि बिस्किट ये इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बिस्किट पे कि जब इनको भूख लगती है तो खाते नहीं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं बिस्किट के। तो इनकी स्पेसीज पे ये थोड़ा सा हार्म हो रही है इस वजह से। बाइक स्पॉट है ये, देखते हैं यहाँ पे क्या है। जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे चलते हैं ना इन जो गुंबद से बने हुए ग्रीन ग्रीन कलर के, और इन पे रील्स बनाए जाते हैं। ग्रीन लैंड है, बहुत बड़ा ग्रास का ग्रीन लैंड है डिज़र्ट के बीच में, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और सामने याक्स, तो इसको एक पॉइंट बना लिया गया सेल्फी लेने के लिए। और ये देखिए बाइकर्स वगैरह यहाँ पे सब फोटो क्लिक करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वापसी में देखेंगे रुकना है तो। रोका का कैफ़े भी है यहाँ पे, देखो कितनी चौड़ी रोड है भाई साहब, बाप रे, इतनी तो हमारी दिल्ली NCR में होती है। ये सब जगह हमने रात में मिस कर दी थी, बहुत खूबसूरत जगह हैं। आगे एक मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर पे ना जब तक है जान जो शाहरुख खान और अनुष्का की मूवी थी, उसका स्पॉट आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी विजिट करा दूं, तो आप जब भी इधर आए तो अपनी आइटिनरी में उस जगह को भी रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है और वहाँ मैगी वैगी खाने का भी अच्छा जुगाड़ है। ये देखिए, जो मैं आपको सोलर लाइट्स की बात कर रहा था ना, लाइट्स हैं, ये हाईवे रात में पूरा जगमगाता है, यहाँ लाइट्स लगी हुई है पूरे हाईवे पे। अब रात को 12 बजे निकलोगे, लाइट्स हैं, आपको लगेगा नहीं चारों तरफ इतने ह्यूज माउंटेन्स हैं, फील ही नहीं करोगे आप। और सोलर लाइट्स हैं तो ये दिन भर चार्ज होती हैं और रात में ये जलती हैं, तो इससे एनर्जी भी काफ़ी सेव होती है। शाहरुख का की सेल्फी बनी हुई है, यहीं पर शूट हुआ था। चलो आपको लेके चलते हैं पास में, रिवर साइड बैठते हैं और कुछ खाते हैं और थोड़ा सा हम भी सेल्फी क्लिक कराते हैं। ये हमारे बाइकर्स भाई लोग जा रहे हैं भगाते हुए, भगाना मत कभी भी। ये देखो भाई साहब, ये पानी बह रहा है और ये लिखा हुआ है जब तक है जान शूटिंग पॉइंट, शाहरुख खान शूटिंग पॉइंट। चलो भाई, हम तो वैसे ही SR के लवर हैं, तो इसको मिस करना तो हमारे लिए पाप है। वाह क्या बात है, ब्यूटी भाई ब्यूटी। को हिमालयन को स्टैंड पे लगाना भी एक टास्क है। शाहरुख खान ने इसी रोड पे बार बार गाड़ियाँ चलाई थी, मोटरसाइकिल इधर से उधर, तो ये बन गया शूटिंग पॉइंट। यहाँ पे एक कैफ़े खुल गया और बहुत प्यारा सा एक ये रिवर फ्लो जा रहा है, छोटे से रिवर है, वहाँ पे बैठ के आप इन्जॉय भी कर सकते हो। और ये ऊंची ऊंची खूबसूरत वादियाँ हैं, मैगी वैगी मिल जाती, पराठे। उस तरफ भी एक पॉइंट है, बट ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे रिवर फ्लो आ रहा है, तो आप पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हो। काफ़ी ठंडा पानी है वैसे, लेकिन बहुत कम पानी है, मतलब घुटने से भी कम है। और बहुत खूबसूरत ग्रीन जोन है, तो आप जब भी आना पैंगोंग सो, अगर दिन में हो धूप के समय, तो ज़रूर इस शाहरुख खान पॉइंट पे रुकना और कुछ अच्छी अच्छी सेल्फी क्लिक करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय नाश्ता हो गया और ये जब तक है चांद भाई भाई साहब, जब तक है जान के शूटिंग पॉइंट से अपन निकलते हैं। ये सब जगह थी जो रात को मैं मिस कर गया था, क्योंकि रात हो गई थी इसलिए मैंने आपको घुमाई। अब चलते हैं हम तांग से, पेट्रोल डलाते हैं और रास्तों के नज़ारे दिखाते हैं आपको, फिर वापस लौट जाएंगे अपने गांव, अपने होटल यानी मन विलेज में। ऊपर एक मॉनेस्ट्री है, ये उसका गेट है, तांगसे मॉनेस्ट्री। अच्छा, तांगसे मॉनेस्ट्री, दैट मींस कि हम लोग तांगसे पहुंच चुके हैं।
रोहतांग से लास्ट पेट्रोल पंप पे अगर आप पैंगोंग त्सो की तरफ जाते हो तो लास्ट पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल नहीं भराया तो आपको वापस आके भराना पड़ेगा, जैसा हम लोग कर रहे हैं कल रात को, मतलब लास्ट वीडियो में हम नहीं भरा पाए तो हम वापस जा रहे हैं पेट्रोल भराने ताकि कल हम पैंगोंग त्सो से आगे बढ़ सकें। दोस्तों हम लोग आ गए तांग से, अब देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पे है। ओ शायद इधर कहीं है पेट्रोल पंप, पेट्रोल हाँ इधर है, इधर इधर इधर। सो ये पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन भी लद्दाख का उस तरफ तांग से भी। ये तिरंगा शान से लहरा रहा है, फुल कर देना, फुल कर देना भाई दोनों। भाई इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है ना, और ये जो तांगसे का पेट्रोल पंप है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है इंडियन ऑयल की, मतलब सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है तांगसे का पेट्रोल पंप। तो ये भी एक ख़ास जगह है, देखो लिखा हुआ है द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट 12,933 फीट विलेज तांगसे लेह लद्दाख। अब कुछ कैश निकालेंगे और रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए लौट लेंगे। अब और कहाँ पे है पास कैश, एटीएम तो ख़राब है यहाँ पे, तो एडवाइज़ करता हूँ मैं उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं कि जब भी आए इस रूट पे ना पहले से कोशिश करो ले से ही अपना कैश ले लो यार। बाकी तांगसे में ना मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह है, देखो ये सब हॉस्पिटल बने हुए हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि तांगसे के आप आगे जाओगे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ केवल आर्मी के पास है, मतलब आर्मी ही मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हाँ बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट होटल्स अच्छे लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे, क्योंकि आगे फिर अच्छे लेवल पे नहीं मिलते, फिर वही रिमोट प्लेसेस हैं। और यहाँ पे आपको मतलब एटीएम वगैरह भी ख़राब है लेकिन है, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी है, स्कूल भी है। तांगसे एक लास्ट मतलब अच्छा विलेज है, उसके बाद सारे विलेजेस छोटे 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 विलेजेस क्या हैं, वो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं बस। तो जब तक रोशनी है मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा, क्योंकि फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आगे का। काफ़ी कुछ जो भी था मैंने इस एरिया का पूरा पैंगोंग सर्किट आपको दिखा दिया, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। इन केस आप आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 110% जवाब दूंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि जेन्युइनली आपको आंसर करूं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूं। फिलहाल चलो नज़ारे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लुकुंग विलेज कितना पास में है पैंगोंग त्सो से, सारी बेसिक फैसिलिटी है, इनफैक्ट 5G नेटवर्क आता है। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे विलेज, मैंने पूरा सर्किट घूम लिया, सुबह से चक्कर ही लगा रहा हूँ, मन विलेज से गया वहाँ पेट्रोल डलाने लास्ट पेट्रोल पंप पे, फिर वापस आया। तो मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में ना मेरे को ये विलेज सबसे अच्छा लगा, मन में रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर क्या है, अगर कोई चुशुल जा रहा है तो वहाँ रुक सकता है, लेकिन जिसको पैंगोंग इन्जॉय करना है वो यहाँ लुकुंग में रुके, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहीं पर वो पॉइंट है आपका जो भाई आमिर खान की मूवी 3 Idiots का, तो इसलिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। दोस्तों सूरज ढल रहा है और अब टाइम हो गया आपको अलविदा कह दूँ, इस वीडियो को एंड कर दूँ। बाकी मैं बता दूँ मैं अब जा रहा हूँ अपने होटल में जो मन विलेज में है, और वहीं पे मैं स्टे करूँगा आज, और कल की प्लानिंग मैं आपको कल ही बताऊँगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एंड आज का दिन बहुत अच्छा था, मैरमेट देखा, मेरा ड्रीम एनिमल था, बहुत क्यूट लगता है। उसके अलावा 3 Idiots वाले पॉइंट पे भी गए, और हमने शाहरुख खान की जब तक है जान मूवी का भी पॉइंट देखा, काफ़ी कुछ देखा, आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज करते रहो, नज़ारे भी मैंने आपको अच्छे अच्छे दिखाए। तो चलिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग लद्दाख आने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाइक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, आई होप ये वीडियो उनके काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए इन खूबसूरत वादियों से घूमते रहो का सलाम, बाय बाय, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग मन विलेज आ गए जहाँ पे हम रुके हुए थे, आज यहीं स्टे करेंगे।
एंड कल सुबह फिर निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। रात हो गई है लेकिन हमें रात नहीं हुई, आते आते हम दिन में ही आ गए थे, रात में ड्राइव नहीं करते। बट हम पीछे एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे कुछ खाने पीने के लिए। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्यूट मैरमट, शाहरुख खान का शूटिंग पॉइंट और आमिर खान की थ्री इडियट वाला पॉइंट सब पसंद आया होगा, और माइटी पैंगोंग सो ये तो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने पूरा सर्किट करने की कोशिश करी, दो तीन चक्कर लगाए, हर दिशा से हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करी। आई होप मेरे साथ साथ आप भी घूमें आज इस वीडियो में, और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दें जो लद्दाख आने की प्लानिंग कर रहे हैं और बाइक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अरे यार फिर से एक वाटर बॉडी। अरे यार जूते गीले हो जाते हैं यार, बड़े मुश्किल से सुखाए थे।